आसाम में मुगलों ने गुवाहाटी के ऊपर कब्जा कर लिया था। उस समय अहम साम्राज्य ने विचार किया कि हमें कोई बड़ा ही शक्तिशाली योद्धा लगेगा जो सेनापति बन सके। बहुत विचार करने के पश्चात उन्होंने एक नवयुवक लचित को सेनापति के रूप में नियुक्त किया। कहा जाता है कि उस समय मुगलों ने जब आक्रमण किया तो उन्होंने अहम साम्राज्य के राजाओं को अपना स्थान चयन करने के लिए दिया कि किस स्थान में आप लोग युद्ध करना चाहेंगे। उनके इस प्रस्ताव को सुनकर अहम साम्राज्य के राजाओं ने और लचित ने मिलकर सराय घाट का चयन किया। 1671 में सराय घाट का युद्ध हुआ और उस समय जब युद्ध आरंभ ही होने वाला था तब लचित बहुत बीमार हो गए। इतने बीमार हो गए कि बिस्तर से नहीं उठ पाए। उनका संपूर्ण देह ज्वर से कंपित हो रहा था। मुगलों का आक्रमण और अपने सेनापति की अवस्था को देखकर अहम साम्राज्य की सेना पूरी तरह विदीर्ण हो गई, शिथिल पड़ गई और ऐसा प्रतीत हुआ युद्ध में उनका पराजय निश्चित है। इस अवस्था को देखकर अपने ज्वर से पीड़ित अवस्था में भी लचित बिस्तर से उठे और अपने मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस अवस्था में भी भयंकर युद्ध किया और उस युद्ध में उन्होंने अपने संपूर्ण सैन्य बल को प्रेरित करते हुए मुगलों को पराजित किया। और 1671 के इस सरायघाट के युद्ध ने लचित को इतिहास के पन्नों में सनातन काल के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कर दिया। कुछ समय के पश्चात लचित का देहांत हुआ लेकिन आज भी उस गुवाहाटी के पुनर्प्राप्ति के संबंध में लचित के नाम से 24 नवंबर के दिन हर वर्ष आसाम में लचित दिवस मनाया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि कोई व्यक्ति अगर अपने उदाहरण से एक प्रेरणा का स्रोत उत्पन्न करे वो प्रेरणा हजारों लाखों लोगों तक पहुंचती है। यद्यत् आचरति श्रेष्ठस तत्तत् एवेतरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। कहा गया है भगवद गीता में जो व्यक्ति श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करे उस उदाहरण को देखकर दूसरे भी उसको अपनाना चाहेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहेंगे।